मेरे बात आपके अखिल भारतीय अध्यक्ष चौधरी भजनराम तिवारी मंच पर सभी में आदरणीय नेतागण, क्योंकि समय का मोह मुझे लग रहा है कि काफी समय से आप बैठे हैं, तो मैं यही की संबोधन कह रहा हूँ। आदरणीय मंच यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक बुजुर्गों, वास्तव में हम लोग देश भर में 7 राज्यों में फैले हुए थे, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता था। और चौधरी भजनराम जी ने ठीक आज से 4 वर्ष पहले 12 जनवरी को शुरू किया था काम, और 4 ही वर्ष में मेरे से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि मैं लगभग 450 गांव में जा चुका निर्वाह खाप के, और 650 के आसपास गांव पूरे देश में है, यानी कि 100 गांव प्रतिवर्ष पूरे किए हमने कम से कम। आप किस ओर में आपका धन्यवाद करूं बलराम जी, ये सौभाग्य है मेरी खाप का कि हमें आप जैसे बाबा मिले। आपने इस पवित्र भूमि से हमें अवगत करा दिया। मैं नमन करता हूँ इस पवित्र भूमि को, पहला पहला आज रखा गया यहाँ जहाँ से हम पैदा होकर निकले थे। यह आपका खून था, यह इन बच्चों का खून था, भाई सुरजीत है, संदीप है, अनेक खिलाड़ी मेरे पहले भाई, जिनके कारण से पूरे देश में नरवाल को पूछने लगे, और कबड्डी के कारण से सभी पूछने लगे नरवाल कौन है जी। हमारा जीना 56 इंच का नहीं 108 इंच का हो जाता था जब हम बताते थे कि हाँ भी नरवाल है आपके कारण से। वास्तव में वो है गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लाभ पाए, बल यारी गुरु आपने गोविंद जी बताए, आपने हमें इस पवित्र भूमि पर लाके परिचय करा दिया हमारी जड़ों से। वो नाम तो हमें नहीं पता, हम पीपल के वृक्ष की तरह इतना बड़ा पवित्र वृक्ष है, जैसे पीपल की जड़ें कहीं कहीं निकल जाती है ना, पूरे देश में हमारी जड़ें फैल गई थी आपके कारण से। जी आपको पुणे नमन आपको। वास्तव में मैं भी देख रहा था, मैं उनके पास ही बैठा था, परिचय मेरा पहले से है, जैसे ही मुझे टिकट हुआ इन्होंने नाम पढ़ लिया कि कोंदरवाल को टिकट मिला, और खुद ही पहुंच के काम कर रहे हैं, खुद ही अपना आशीर्वाद लेंगे, सब लोग पूरी टीम को साथ लेंगे। चुनाव के दौरान इतना काम किया मैं सोच भी नहीं सकता था। आप नाम के भले नहीं, वास्तव में बहुत भले इंसान हैं, और जिस तरह से भगवान राम सबको जोड़ के चलते थे, तो भले राम जी वास्तव में आपके नाम की जो परिभाषा है उसे आपने सार्थक कर दिया। अभी गीत कर रहा था के लिए मैं इनके पास ही था, मैं मंच के बिना दो लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो भावुक हो गए सुनकर, जब कहानी की सारी बिरादरी को आपने एक जगह कर दिया, और जिस तरह का अभिभावक मुझे लगा जैसे मेरे बाप की आंखों में आंसू, इस तरह सुन की आंखें दो बार रुमाल से उन्होंने आंखें पूछी। वास्तव में इतना बढ़िया, इतना चरित्रवान, इतना भावुक पिता की तरह अपने खाप के बारे में सोचने वाला अध्यक्ष जिस खाप के पास हो, वास्तव में तो हमारी ईश्वर की कृपा इस बात में। मैं केवल क्योंकि समय कम है, लेकिन मन के कुछ उद्गार थे, एक चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। यहाँ के खिलाड़ियों के नाम से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे घर को प्रेरणा मिलेगी। कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें एक दृष्टि आपकी अपने लक्ष्य पर रहती है और दूसरी नजर पीछे रहती है कि दुश्मन आप पे हमला न कर दे। तो अपने लक्ष्य पे आज का युवा दृष्टि रखे, और जितनी कुरीति समाज में है वो उसे छू ना पाए, इससे प्रेरणा लेके यहाँ से खिलाड़ी से प्रेरणा लेकर हमारा युवा आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से पूरे देश में हमारा नाम रोशन होगा और पूरे दुनिया में देश का भी झंडा फहराएगा। मैं शामली से हूँ, शामली में हम लोग बहुत पहले से हैं, एक ही जरूर शामली की अच्छी है कि हम लोगों में आज तक आजादी के बाद से जब तक भी देश आजाद हुआ तब तक की चीजें बाप दादाओं से पता लगती है, आज तक आपस में कोई झगड़ा कोई मनमुटाव नहीं हुआ, एक झगड़ा नहीं हुआ एक भी, जबकि हम लोगों की गांव में पार्टी बात बहुत सारी चीजें सामने आती है, चुनाव भी सामने लड़ लगे, आमने सामने रहेंगे, वार्ड के चुनाव लड़ेंगे, सारे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप उसमें बिल्कुल भाईचारा बना रहता है हमेशा, उस भाईचारे का संदेश इस खाप से मिले पूरे देश में जाए ताकि सारी बिरादरी उसका अनुपालन करे, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। आप भी हमें अपना आशीर्वाद दें, हम भी इस पवित्र भूमि पर समय समय अपना मत झुकाने आते रहेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो आपके लिए सदैव तत्पर है। वैसे तो मैंने बात नहीं की, मेरे चाचा वगैरह पीछे बैठे,
वो जो घोषणा करेंगे कर ले, उसमें तो 7 मिनट में बैठ के ग्रुप चैट में से क्या मजा हो गया निर्वाह होने के लिए। एक कमरे की चाचा जी कह रहे हैं कि बहुत सारे चाचे हैं, मुझे लगे उससे कुछ ज्यादा ही होगा, इसलिए मैं रोक कर रख रहा हूँ मैं आपको। जय हिंद, धन्यवाद।